हेलो, जय श्री राम। सभी भक्तजन मेरे साथ मिलकर एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। वंदनीय जेहि जग जस पावा, वंदनीय जेहि जग जस पासा। मंगल भवन अमंगल हार, और इस प्रकार प्रभु राम की बारात अयोध्या की ओर आ रही है। अभी आपके सम्मुख यहां से चलती हुई आएगी। हेलो, कल की लीला में आपने सीता स्वयंवर का प्रसंग देखा, आज जनकपुर में शतानंद गुरु जी से प्रार्थना करके अयोध्या में संदेश भेजा गया और महाराज दशरथ भरत शत्रुघ्न सहित बारात लेकर अयोध्या से जनकपुर पहुंच रहे हैं और जनकपुर वासी उनकी बारात को देखकर इतने प्रसन्न है कि वो खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उधर से अयोध्या से बारात चली आ रही है। आइए हम यहीं से आज से इस लीला का आनंद लेते हैं। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला। प्रभु कृपा से आज है आया, प्रभु कृपा से आज है आया, देखो दिन खुशियों से भरा। नाचेंगे हम, गाएंगे हम, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला। नाचेंगे हम, हाय गाएंगे हम, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला। नाचेंगे हम, हाय गाएंगे हम, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला, नाचेंगे हम क्यों न भला, गाएंगे हम क्यों न भला। Thank you.
अयोध्या निवासियों, मेरे सहयोगी मंत्रियों, आज आपका राजा एक अहम प्रश्न पर आप सबका विचार जानना चाहता है। मेरा चौथापन आ गया है, जीवन बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता जा रहा है। मैं किसी भी अवस्था में अब अपने आप को राजा कहलाकर आपकी सेवा करने के योग्य नहीं पाता हूँ। प्रजा को वैसे भी एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता होती है, अतः मैं सोच रहा हूं जो हल्का मेरे सर से ये राज रूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे कोई पालन हार हो जाए, तो मैं निश्चिंत हो परलोक की साधना कर लूं, वनों में जाके अपनी आत्मा का कुछ भला कर लूं। अतः मेरा विचार है कि श्री राम राजा होने के सर्वथा योग्य हैं। उन्हें अयोध्या का राज सौंपकर मैं शेष समय आत्मचिंतन में लगाना चाहता हूं। इस पर आप अपना विचार प्रकट करें। निसंदेह राजन, आपका मन पवित्र है और इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वह भी पवित्र होती हैं। वास्तव में यह विचार बड़ा ही सुंदर है। श्री राम हर प्रकार से राजा बनने के योग्य हैं। महाराज, श्री राम सारे प्रजा के प्यारे हैं। महाराज, श्री राम सदा मृदुभाषी हैं। उनके राज्य में सारी प्रजा सुख से रहेगी। महाराज, श्री राम वीर, शील और धैर्यवान हैं। सारी प्रजा उन्हें शीघ्र ही राजा देखना चाहती है। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय। महाराज, ऐसे पवित्र कार्य में कोई विलंब न कीजिए। राजन, इसके लिए कल का दिन ही शुभ है, इसलिए सभी तीर्थों से जल मंगवाइए, फल फूल चंदन केसर आदि एकत्रित करवाइए। सुमंत जी, अब सारी प्रजा को यह शुभ समाचार सुना दे। पूरे पखवाड़े तक घर घर में खुशियां मनाई जाए, मंगल वाद्य बजाया जाए, ब्राह्मणों तथा भिखारियों को दान दिया जाए। हमें बड़ा हर्ष है कि आज आपने राम को राज तिलक देने की अनुमति प्रदान कर दी है। मेरी आपकी चरणों में एक प्रार्थना है, उसे भी स्वीकार कर मेरे हृदय की अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। राजन, निसंकोच कहें। गुरुदेव, मेरी प्रबल इच्छा है कि सूर्यवंश की इस पवित्र गद्दी पर बैठने से पहले आप राम को राजनीति की शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि आप हमारे कुलगुरु हैं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी राजन। बोलो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। पधारे हैं। मेरे अहोभाग्य, आओ सीते, गुरुदेव को आदर पूर्वक ले आए। चलिए स्वामी। गुरु आगमन सुनते रघुनाथा द्वार आ
गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना बड़ा ही मंगल कार्य होता है, फिर भी नीति यही कहती है कि यदि दास को अपने पास बुला लेते तो अच्छा था। हे राम, आप ऐसे वचन क्यों ना कहें, आप तो सूर्य कुल के भूषण हैं। गुरुदेव, आपने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? पुत्र राम, महाराज दशरथ तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं और इसके लिए समस्त अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। अतः आप आज से ही व्रत हवन आदि करें, जिससे कि विधाता इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करे और आप राजनीति के चारों अंगों को भली भांति निभा सकें। जो आज्ञा गुरुदेव। सीते। जी स्वामी। पिताजी मुझे राज्य अभिषेक दे रहे हैं, प्रजा खुशियां मना रही है, किंतु मेरे हृदय में बड़ा दुख है। कैसा दुख स्वामी? यही कि हम सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, बचपन में इकट्ठे खेले, एक साथ बड़े हुए, यज्ञोपवीत और विवाह आदि के उत्सव भी एक साथ हुए, परंतु इस वंश की एक बात ही अनुचित है। वो क्या स्वामी? यही कि सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक केवल बड़े का ही होता है। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रविचंद। भैया भैया भैया, आज अयोध्या नगरी इस प्रकार आनंद विभोर हो रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता भैया, और सारी प्रजा भरत जी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। लक्ष्मण, यह तो बहुत ही हर्ष का समाचार है, यदि भरत आ जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। माता सरस्वती, माता सरस्वती, माता सरस्वती, माता सरस्वती, आप देख रही हैं कि अयोध्या में आनंद मंगल गाए जा रहे हैं, राम के राज तिलक के उत्सव मनाए जा रहे हैं, किंतु ये मंगल हमारे अमंगल का कारण है। राम का राज तिलक हमारे शोक का आगमन है, यदि राम राजकाज में व्यस्त हो जाएंगे तो दुष्ट राक्षस और भी उत्पाद मचाएंगे और साधु महात्माओं को दिन काटना दुर्लभ हो जाएगा। बड़ा ही कठिन प्रश्न है, अभी समस्या का सुलझना संभव दिखाई नहीं देता। हे माता, संकोच को छोड़कर शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे राम राज्य को छोड़कर वनों को चले जाएं और राक्षसों को मारकर संतों का संकट मिटाएं। क्या करूं क्या ना करूं, यदि राम वन को जाएंगे तो सारे अयोध्या वासी पाले की मारी हुई लता के समान मुरझा जाएंगे, और यदि राम को राज मुकुट पहनाया जाएगा तो ऋषि समाज महान कष्ट पाएगा। माता सरस्वती, आप संकोच ना करें, राम को ना राज्य का सुख है और ना वनवास का दुख, प्रजावासी अपने मोह के लिए ही दुख पाते हैं, नहीं तो भगवान किसके बंधन में आते हैं, उनको तो संसार की शांति में ही शांति है। अच्छा, तो इसका कोई सहज उपाय बताइए। हे माता, आप केकई की दासी मंत्रा की जिव्या पर बैठ जाइए, जिससे वो केकई को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाए, यदि उस पर यह जादू चल जाएगा तो हमारा काम अवश्य बन जाएगा। ठीक है, मैं इसी समय जाती हूँ और अपनी माया का जाल फैलाती हूँ, निसंदेह इसी में लोक कल्याण है। बोलो माता सरस्वती की जय, माता सरस्वती की जय। चलो बहनों, राम को राज तिलक होने वाला है, पूरी नगरी को सजाते हैं। हाँ हाँ,
और फूलों से भी सजाएंगे और मंगल गान गाएंगे। चलो भाइयों, आज पूरी नगरी को दियों से सजा देंगे। चलो चलो घर घर अयोध्या को सजाते हैं। चलो वाद्य यंत्र बजाओ। चलो सरयू नदी से पानी लेकर आओ, पूरी नगरी को पवित्र करेंगे। करी डारैया
दासी, तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है। आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है जैसे काली नागिन फुंकार रही हो। अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? दासी मेरी सौगंध, बता जल्दी क्यों तुझे उदासी है? रानी जी, मुझे काहे की उदासी होगी, और मुझे कोई क्या बोलेगा और क्या कहेगा? तुम्हें कुछ मालूम है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं? आज राम को छोड़ किसी की भलाई नहीं है। जिसका जिसका कल होगा राज तिलक, नाम बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है, मातम है। बचते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। अरे रानी रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल निज राजा की। वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने खोरे और कुबड़े को कुटील और कुचाली ही जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर पोड़ी, किसने तेरी मत्ती मारी है? जो साफ रुई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है, अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, धन तुझे मुँह मांगा दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना भूखी मालकी है, है जीत राम की रानी जी। हार हार तो मेरे भरत लाल की है। ओ दुष्टा मौन हो जा, तू राजपाट के कार्यों में बोलने वाली कौन होती है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखी है। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वे दोनों मेरी ही आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। हे दासी तुझे भरत की सौगंध, इस परपंच को छोड़ और सच्ची बात कह, तो इस हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? रानी जी मेरी सारी आशाएं तो एक ही बार के कहने पर पूरी हो गई, अब कहूंगी तो दूसरी जीवा लगा कर ही कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। परंतु क्या करूं, मुझसे आपका अहित नहीं देखा जाता है, इसलिए अभी तक जो कुछ कह दिया उसके लिए क्षमा चाहूंगी। मुझको क्या गर्ज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नचवाऊंगी? दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद जो खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, और रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। मंथरा क्या ये कौशल्या की चालाकी है? तुझे मेरी सौगंध, सच सच बता। रानी जी अपने भले बुरे की पहचान तो पशु पक्षी भी रखते हैं। आज 14 दिन हो गए अयोध्या को सजते हुए, और तुम्हें खबर मिल रही है वो भी अब मुझसे? रानी जी मैं आपके ही राज्य में रहती हूँ, आपका ही नमक खाती हूँ। यदि मैं बनाकर झूठ बोलूं तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। हे मंथरा तू ठीक कहती है, क्योंकि मेरी नित्य
प्रतिदिन दाहिनी आंख फड़कती है और रात को बुरे बुरे सपने भी आते हैं। दासी तू ठीक कहती है, तेरी मत्ती की बलहारी है भरत अब से ऋणी तेरा, तू ही उसकी महातारी है। मुझ सीधी ने समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं दीवार कपट की तोड़ी है। हे दासी अब मुझे विश्वास हो गया है, तू जो कहेगी वही करूंगी, तेरे कहने पर अपने पुत्र और पति का भी त्याग कर सकती हूँ, बता मैं क्या करूँ, कोई उपाय बता। रानी जी जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है मुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, क्या आपको याद है आपने मुझे एक कथा सुनाई थी? कथा? कौन सी कथा? महाराज के पास तुम्हारे दो वरदान धरोहर हैं, तो क्यों ना तुम अब उसे ही मांग लेती हो। पहले वरदान में भरत को राज और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले, और मांगना भी आज ही की रात। अगर ये रात बीत गई तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, समझी रानी जी? मंथरा तो ठीक कहती है, क्या मजाल अब राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू से स्वीकार करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। वाह वाह रानी जी वाह, आई जब नाव किनारे पर तो जल्दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में, समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उसी पर दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। अच्छा रानी जी अब मैं चलती हूँ, होशियार रहना और वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले, समझी ना। राम को राज तिलक। दासी महारानी कहाँ है? महाराज रानी कोप भवन में है। कोप भवन में? कोप भवन सुनी सकुचे उड़ाओ, कोप भवन
सब कुछ उड़ाओ। भय बस अगहुड़ पर ही न पाओ। सुरपति बसई बाहुबली जाके, सुरपति बसई बाहुबली जाके। नरपति सकल रहाही रुखता के, नरपति सकल रहाही रुखता के। चंद्रवदनी, मृगनैनी, पिक बैनी, बोलो बोलो क्यों रूठी हो? हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? हे प्राण प्रिय, तुम कहो तो किसी कंगाल को राजा बना दे, या किसी राजा को देश निकाला दे दे। हे प्राण प्रिय, हैं ये क्या, बोलो तो ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में हो, काकुल का कुल रंग बदला है। उठो सोला श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरी थो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, देखो मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें मेरी रानी, बोलो बोलो तो क्यों रूठी हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, मेरे तुम पर दो वरदान प्रभु, वही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। मैं जानता हूँ प्रिय, तुम्हें मांग करना परम प्रिय है। तुमने इन वरों को धरोवर रखकर कभी मांगा ही नहीं। तुम तो जानती हो हमारा भूल जाने का स्वभाव है, व्यर्थ ही हमें दोष ना दो। चाहे चाहे दो वर के बदले चार वर मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। बस बस इतनी सी बात रानी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। हैरान पहली बार उस पावन नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। आइए महाराज। दूसरे बर कर जोरी, पूरा
विश्वास हो गया है, मैं जो भी मांगूंगी वही मिलेगा। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, लो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहे हैं वे राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी होकर वनवासी। माते हाथ मुंदी दो लोचन, तनु धरी सोचु लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, हरत करीनी जिमी हतउ समूला, हरत करीनी जिमी हतउ समूला। हाय हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष, अब भूल ही चुका था, परंतु इस दुष्ट के कहीं ने उसे हथनी की तरह जड़ सहित उखाड़ फेंका। क्यों महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं जो मेरे वचन सुनते ही आपको तीर के समान लगे? हे प्रिय, तुम ऐसे वचन क्यों कहती हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी रख कर कहता हूँ, राम और भरत दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं प्रातः काल ही दूत को भेजकर भरत को बुलवा दूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवा कर उसे राज्य भी दे दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का लोभ नहीं है, मैं तो छोटा बड़ा विचार कर राजनीति का पालन कर रहा था। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है, मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज्य भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा मैं समझ न पाया वेदों को। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पढ़कर पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। दो बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, आंखों के सामने रहे राम वही उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, महीवर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर पर कालिमा नहीं पढ़ने देंगे, सुनती है प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी तू सूर्यवंश के लिए कुलाड़ी ना बन, तू मेरा मस्तक मांग ले अभी दे सकता हूँ, परंतु राम के फिरे में मुझे ना मार, वरना मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो, तुझे बस रानी राम का वनवास भाया है, होनी प्रबल है उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास देकर? मिला था जो कौशल्या को राम को राज्य देकर। दया कर मेरे बिलखने और रोने पर, तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ होने पर? ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा जहाँ तू भी सो जा पहलू में। रानी आचल पसार, थाती ले और दान भी ले, वन भी ले,
गद्दी भी ले, ले वर भी ले और प्राण भी ले। राम राम राम। द्वार भीर सेवक सचिव कहा ही उदित रवि देखी जागे हूँ अजहुना अवधिपति कारण कवनु बिसे हे सुमंत जी, महाराज रात के पिछले पहर में जाग जाया करते थे, परंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महाराज अभी तक शयन कर रहे हैं। हे सुमंत जी, आप कृपा करके महाराज को जगाइए ताकि हम उनकी आज्ञा से अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। आप यहीं रहे, निश्चिंत रहे, मैं अभी पता लगाता हूँ। ओह, ये तो महाराज है। महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, आज महाराज की कैसी अवस्था हो रही है? सूर्य निकल आया है परंतु महाराज अभी तक शयन कर रहे हैं, क्या कारण है? सुमंत जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद नहीं बतलाते। आप शीघ्र जाकर राम को बुला लीजिए, फिर आकर समाचार पूछिएगा। जैसी आज्ञा महारानी जी। पिताश्री, पिताश्री। माताजी प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा। माताजी, पिताजी की ऐसी अवस्था क्यों है? क्या किसी रोग ने इनको घेर लिया है या कोई विपदा आ गई है? यह तो मुझे देखते ही अपने हृदय से लगा लेते थे, अपना सब दुख भूल जाते थे। सुमंत जी, माता जी, आप ही बताइए, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? राम, तुम तो जानते ही हो महाराज तुम पर कितनी प्रीति रखते हैं, तुम्हारे मोह के कारण ही इनकी ये अवस्था हुई है। बेटा राम, वास्तविक बात तो ये है कि इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था, अब मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। पहले वरदान में भरत को राजतिलक और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे पूरा करो। माता जी, वह पुत्र बड़ा ही बड़भागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। यदि पिताजी की ऐसी ही आज्ञा है तो मेरा जीवन पवित्र हो गया। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जहां मेरा हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। और फिर प्राण प्रिय भरत जी भी तो राज्य पा रहे हैं। मैं तो स्वयं सोचता हूं कि विधाता ही मेरे अनुकूल हो रहे हैं। मुझे तो दुख केवल इस बात का है कि इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी दुखी हो रहे हैं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। राम, मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध, इसके अतिरिक्त और दूसरा कारण मैं नहीं जानती। राम, राम। महाराज, श्री राम आपके दर्शनों के लिए आए हैं। राम, राम। पिताजी, आप थोड़ी सी बात के लिए इतना दुख पा रहे हैं, आप मोह के वशीभूत होकर सोच करना छोड़ दें। आप मुझे प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊं, और मैं अब माताजी से विदा लेकर आपको प्रणाम कर वनों में जाऊंगा। राम, राम।
माताजी प्रणाम। आयुष्मान भव, पुत्र राम तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कल तुम्हें राज तिलक होगा, मैं तुम्हारे शगुन के लिए रोली और फूल ले आऊं और तुम्हें तिलक कर दूं। नहीं नहीं, पहले तुम जाकर स्नान कर लो, फिर जो इच्छा हो भोग लगाना, उसके बाद तुम पिताजी के पास चले जाना। बहुत देर हो रही है, माता तुम पर बलि बलि जाती है। माताजी, पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया, परंतु बनों का राज्य दिया है, जहां मेरा हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। हे तात, तुम तो अपने पिताजी को प्राणों से भी प्यारे थे, फिर किस अपराध पर उन्होंने तुम्हें वन जाने को कहा? हे माताजी, केकई माता ने महाराज से दो वर मांगे हैं। पहले में भरत जी के लिए राज्य और दूसरे में श्री राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास। 14 वर्षों का वनवास? नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए ये आपके पास आज्ञा मांगने आए हैं। हे पुत्र, पिताजी की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों से श्रेष्ठ है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना महाराज और भरत को बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यदि केवल पिताजी की आज्ञा है तो माता की आज्ञा को बड़ा मानकर वन को ना जाओ, और यदि माता और पिता दोनों ने तुम्हें आज्ञा दी है तो पुत्र वन तुम्हें सैकड़ों अयोध्याओं के समान हो। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। हे पुत्र, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी जिसे तुमने त्याग दिया। पुत्र, अपनी माता को ना भूल जाना, ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिससे तुम शीघ्र वापस आकर परिवार से मिलो। जाओ पुत्र, अपने परिवार और नगर वासियों को अनाथ करके वन में जाओ। समाचार ते ही समय सुनी सीए उठी अकुलाई, जाई सासु पदी कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। माताजी प्रणाम। सौभाग्यवती हो पुत्री। हे तात, मैंने सीता के मन के भावों को जान लिया है। ये सास, ससुर और परिजनों की प्यारी है। पिता जिसके महाराज जनक है, जिस सीता ने गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठिन भूमि पर कभी पाँव नहीं रखा, वही सीता आज तुम्हारे साथ चलना चाहती है। हे पुत्र, उसके लिए क्या आज्ञा है? हे जानकी, यदि मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानकर घर पर ही रहो, क्योंकि आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और फिर माता जब भी मेरे बिछोह में व्याकुल होंगी तब तुम उनका सहारा बनोगी। हे सुमुखी, दिन जाते देर नहीं लगती, यदि प्रेमवश हट करोगी तो परिणाम में दुख पाओगी, और फिर तुम उन वनों के योग्य भी तो नहीं हो, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े दैत्य और दानव रहते हैं और तुम तो अति कोमल हो। माताजी, मेरी इस बड़ी ठिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित है, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान कोई दुख नहीं है। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क के समान है। हे नाथ, संसार में जहाँ तक स्नेह और प्रेम के नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी है, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ साथ पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही
निर्मल वस्त्र होंगे। पर्णकुटी ही स्वर्ग का सुख देने वाली होगी। हे माता जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, जब सिन्ही सिंह के साथ रहेगी तो उसे भय कैसा? यदि मैं कोमलांगिनी हूँ तो क्या मेरे नाथ कठोर हैं? परंतु सीते, मुझे केकई माता की आज्ञा का बंधन है। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि सीता भी साथ जाएगी? परंतु मेरे प्रभु, यह पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सहन करेंगे? पुत्र राम, जब सीता को तुम्हारा वियोग इतना असह्य हो रहा है तो मेरी आज्ञा है कि तुम सीता को भी अपने साथ वन ले जाओ। जो आज्ञा माता। सीते, विषाद छोड़कर वन गमन की तैयारी करो। बेटा, शीघ्र लौटकर अपनी प्रजा के दुख को मिटाना। वो शुभ दिन कब होगा जब मैं हर्षित होकर तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगी? हे माताजी, मैं बड़ी अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने का समय था, पर देव ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा ये मनोरथ सफल ना हो सका। हे पुत्री, जब तक गंगा यमुना की धारा बहती रहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। भैया, 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 ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लक्ष्मण, क्या हुआ है? इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मैं जानता हूँ भैया कि आप सब कुछ जान के भी अनजान बन रहे हैं, परंतु भैया, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्या हुआ है और तुम क्या नहीं होने दोगे? भैया, महाराज ने आपके साथ विश्वासघात किया है। भैया, विश्वासघात। विश्वासघात? हाँ भैया, विश्वासघात। महाराज ने आपको राज्य देने की घोषणा की थी और यही इस कुल की परंपरा भी है, परंतु अब महाराज का इस तरह से आपको राज्य से अलग करना आपके साथ अन्याय है। भैया, आपके विरुद्ध षड्यंत्र है। मैं ये अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। भैया, लक्ष्मण, क्या कभी किसी पिता ने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है जो महाराज करेंगे? अन्याय तो तुम कर रहे हो लक्ष्मण, जो महाराज के प्रति ऐसे विचार रख रहे हो। नहीं भैया, नहीं। क्या यह अन्याय नहीं है कि पिता एक स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर पुत्र को वनवास की आज्ञा दे? क्या यह अन्याय नहीं है कि एक राजा प्रजा का हित भूलकर युवराज को वनगमन की आज्ञा दे? कहिए भैया, क्या यह अन्याय नहीं है? लक्ष्मण, तुम क्रोधवश ऐसा कह रहे हो। यदि महाराज ने मुझे वनवास दिया है तो भरत को राज्य भी तो दिया है। क्या भरत महाराज के पुत्र नहीं? और फिर महाराज तो राजनीति के ज्ञाता है, उन्होंने सोच समझकर ही ऐसा निर्णय लिया होगा। ये राजनीति नहीं भैया, वरन आपके विरुद्ध षड्यंत्र है, हमारे कुल की परंपराओं का हरण है। क्या ऐसा निर्णय लेने से पहले महाराज ने गुरुदेव से परामर्श किया? प्रजा का हित जाना, मंत्रियों का मत जाना? नहीं भैया, नहीं। महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे तो लगता है कि भैया, ये भरत, महारानी केकई और महाराज का मिला जुला षड्यंत्र है जिसमें वो आपको फंसाना चाहते हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि जब तक लक्ष्मण के देह में प्राण है तब तक उनके उद्देश्य की पूर्ति होना असंभव है। बस भैया, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। प्रजा विद्रोह के लिए तैयार है भैया, और स्वयं लक्ष्मण इस विद्रोह का संचालन करेगा। किसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हो लक्ष्मण? महाराज के प्रति, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनकी स्नेह की छाया में पलकर तुम बड़े हुए। परंतु महाराज ने भी तो अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है, और जो राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता वो राजा कहलाने का अधिकारी नहीं। तो ठीक है, कर दो विद्रोह, परंतु इतना याद रखना, यदि तुम विद्रोह का संचालन करोगे तो उस विद्रोह के दमन के लिए राम अयोध्या की सेना का संचालन करेगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ लक्ष्मण, उठाओ शस्त्र, उठाओ, चलाओ अपने भैया पर बाण। मैंने अपने पिता के विरुद्ध जो अपशब्द सुनने का पाप किया है, मुझे भी उससे मुक्ति मिल जाए। भैया, भैया, आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता।
लक्ष्मण, तुमने महाराज की स्थिति को जाने बिना ही इतना आरोप लगा दिया। परिस्थितियों ने महाराज को घेर लिया है, वह शोक के अथाह समुद्र में डूब रहे हैं। ऐसे समय पर तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है भैया, जो आप चाहेंगे वही होगा, परंतु आपको छोटे भाई की एक हट तो अवश्य माननी होगी। हाँ हाँ, कहो लक्ष्मण। भैया, जब आप और माता दोनों ही वन को जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। आपके बिना मेरा मंगल नहीं है भैया। सेवक को छोड़कर जो भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण वन को जाएंगे। हे तात, भविष्य में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर प्रेमवश अधीर मत हो और मेरी सीख सुनो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं। इस अवस्था में यदि मैं तुम्हें लेकर वनों में जाऊंगा तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, माता, पिता, प्रजा सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा, अतः ऐसी नीति विचार कर तुम अयोध्या में ही रहो। हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा वश क्या है। हे नाथ, मैं स्वभाव से कहता हूँ कि आपको छोड़कर मैं माता, पिता, गुरु, भाई किसी को नहीं जानता। मेरे तो जो कुछ है आप हैं भैया, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई, स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी, स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे ये प्राण छूट जाए। जनक दुलारी के सहित नेह मोह सब तोड़, स्वामी बन को जाते हैं मोहे कौन पर छोड़। मोहे कौन पर छोड़ स्वामी, कानन को कीन्हों गौन है, प्रतिपाल मेरो करण हारो, नाथ तुम बिन कौन है। करुणा अयन करुणायतन करुणा मेरी चित दीजिए, रघुनाथ दीनानाथ लखन अनाथ को संग लीजिए। अच्छा भाई, जाओ माता से विदा ले आओ। जो आज्ञा भैया, जो आज्ञा। प्रणाम माता। आयुष्मान भव पुत्र। बेटा लक्ष्मण, आज तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हारे मुखमंडल की आभा इतनी क्षीण क्यों हो रही है? मातेश्वरी, मंजली माता जी ने भैया राम को अयोध्या के बदले वनों का राज्य दे दिया। वनों का राज? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ मातेश्वरी, केकई माता ने महाराज से दो वरदान पाए थे। पहले में भरत लाल को राज्य और दूसरे वर में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं, नहीं, माता, नहीं। माता, मेरी प्रबल इच्छा है कि बड़े भाई की सेवा करने के लिए मैं भी उनके साथ वनों में जाऊं। मैं तो आपसे आज्ञा मांगने आया हूं। हे तात, तुम्हारे यह विचार तो बहुत उत्तम है। जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से तुम्हें स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम सहर्ष बड़े भाई की सेवा के लिए वनों को जाओ। ये वन की यात्रा तुम्हें मंगलमय हो। माँ, माँ तुम देवी हो, माँ तुम विदुषी हो,
तुम सच्ची शत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। उर्मे उत्कट उत्कंठा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, जाता हूँ 14 वर्षों को, इस सिर पर हाथ धरो माता। जाओ मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। भैया लक्ष्मण, तुम माता से आज्ञा लेकर तो आ गए और अपने कहे अनुसार मैं तुम्हें वनों में भी ले जाऊंगा, परंतु एक शंका बार बार मेरे मन में उठ रही है। वो क्या है प्रभु? यही कि माता केकई कहेंगी वनवास ना हुआ, वन विहार हो गया। यह सुनकर वह शोक मनाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो केवल मुझे ही वनों में जाने की आज्ञा दी थी। तो इसमें इतना झुंझलाने की क्या बात है? आज्ञा का ही है प्रश्न अगर, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। बहन, तुम ये क्या कह रही हो? इन आँखों के आगे मेरे नन्हे लक्ष्मण को तो रहने दो, मैं राम के बदले इसे ही निहारूंगी। बहन जरा धीरज धरिए, जिस प्रकार कमान से छोटा हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटाया जा सकता, उसी प्रकार मेरे कहे वचन भी वापस नहीं लौटाए जा सकते। मछली के बंधन में रघुवर है, सिया बड़ी के शासन में, तो ये लक्ष्मण मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, ये साथ उसे ले जाएगा, वो साथ भ्रात के जाएगा। सुन रहे हो राम, अपनी माता सुमित्रा की आज्ञा। तुम वन में सुमित्रा के धन और उर्मिला के जीवन को ले जा रहे हो, परंतु इतना याद रहे कि ये फूल कभी मुरझाने ना पाए, जैसा हरा भरा जा रहा है वैसा ही खिला हुआ वापस आए। ये छोटा और बड़ा है तू, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। आप निश्चिंत रहे माताजी, किसी प्रकार की चिंता ना करें। राम, जिस प्रकार तुम मुझे पीठ दिखाकर जा रहे हो, वैसे ही मुझे अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाना पुत्र। जैसी आज्ञा माताजी। सचिव उठाई राम बैठारे, कहि प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। महाराज, महाराज श्री रामचंद्र जी आए हैं। राम, राम। पिताजी, मुझे आज्ञा तथा आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों मना रहे हैं? यदि आपने मोहवश अपने वचनों का पालन नहीं किया तो जगत में रघुकुल की निंदा होगी। हे तात, मैंने मुनि लोगों से सुना है कि तुम चराचर के स्वामी हो, शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाले हो, परंतु यहाँ तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है कि अपराध तो कोई और करे और फल कोई और भोगे, और फिर
मैंने तो एक ही को वन जाने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ तो तीन तीन वनों को जा रहे हैं। ईश्वर की विचित्र लीला है। परंतु पुत्री सीता, वन बहुत भयंकर है, तुम इतने दुख कैसे सहोगी? मेरी इच्छा है तुम यही अयोध्या में ही रह जाओ। राम, जब तक तुम वनों को नहीं जाओगे, महाराज तुम्हारे मोह का परित्याग नहीं करेंगे। ये लो जोगी अवस्त्र। राम राम, मेरे अभागे प्राण, तुम मेरे शरीर से अलग क्यों नहीं हो जाते? हे सुमंत जी, राम वन को चले गए, परंतु मेरे प्राण शरीर से अलग क्यों नहीं हो जाते? तुम राम, सीता और लक्ष्मण को वन भ्रमण कराकर वापस लौटा लाना। यदि राम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे तो सीता को अवश्य लौटा लाना। हे राम राम राम। चलो बहनों, राम को राज तिलक होने वाला है, पूरी नगरी को सजाते हैं। हाँ हाँ, चलो और भाइयों से भी सजाएंगे, पूरी नगरी और मंगल गान गाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो घर घर अयोध्या को सजाते हैं। सरयू नदी से पानी लेकर आओ, पूरी नगरी को पवित्र करेंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि महारानी केकई ने कितनी नीचता का कार्य किया है? क्या कह रहे हो भाई? महारानी केकई ने महाराज से दो वरदान पाए थे, सो उन्होंने पहले वरदान में अपने पुत्र भरतलाल जी के लिए राज्य और दूसरे वरदान में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। 14 वर्षों का वनवास? क्या कहा? हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास? हाँ भाई, और अब वो हमें छोड़कर वनों को जा रहे हैं। वनों को जा रहे हैं? क्या उन्होंने वन जाना स्वीकार कर लिया? हाँ भैया, और श्री रामचंद्र जी के साथ माता जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण भी जा रहे हैं। यदि प्रभु राम के साथ साथ माता जानकी और भैया लक्ष्मण भी जा रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ वनों में चलेंगे और उनकी सेवा करेंगे। हाँ भैया, तुमने ठीक कहा, हम उनकी सेवा करेंगे। तो भैया, अब यहीं बैठकर प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वन जाने के लिए उन्हें इसी मार्ग से निकलना पड़ेगा। चलो भैया, चलो भैया, हम यहीं प्रतीक्षा करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। चलो भैया, बैठते हैं। देखो, श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण सहित इसी ओर आ रहे हैं। आओ, उन्हें रोको, जल्दी आओ, आओ। चलो चलो, हम आपको वनों में नहीं जाने देंगे। प्यारे नगरवासियों, आप यहाँ अयोध्या में ही रहें। हम माता पिता के वचनों का पालन कर 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या वापस लौट आएंगे। हम आप लोगों से बस यही चाहते हैं कि आप राज्य भक्त बने रहें और माता पिता को अयोध्या में रहकर ही धीरज बधाएं। कैसी अयोध्या? किसकी अयोध्या? कौन रहेगा इस अयोध्या में? हमारे तो जहाँ प्रभु राम है, वही हमारी अयोध्या है। हे नाथ, आपके बिना सारी अयोध्या मरघट के समान है। नगर वासियों का जीवन दुख की खान है। प्यारे जनों, अपने परिवार को छोड़कर आप वनों में कहाँ जाएंगे? व्रता ही वनों की कष्ट उठाएंगे। प्रभु, अब नगरी में कौन सा सुख का साधन रह गया है? हमारी नगरी तो वही है जहाँ आपका दर्शन है। हाँ प्रभु, हमारी नगरी वही है जहाँ आपका दर्शन है। नगरवासियों, हम आपके प्रेम के लिए बड़े आभारी हैं।
परंतु आप घर लौट जाइए और राज्य प्रबंध में भरत का हाथ बटाइए। नहीं प्रभु नहीं, हम आपकी शरण जाएंगे, हम आपकी शरण नहीं जाएंगे। हे नाथ, जल के बिना मीन और मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा भाइयों, अब रात्रि बहुत हो गई है, आज आप लोग यहीं विश्राम करें, कल प्रातः हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, अभी यहीं विश्राम करते हैं। अरे चलो चलो, प्रभु के शयन का प्रबंध करते हैं। माता के भी शयन का प्रबंध करते हैं। जवही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मारी रथ हा के उताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। सुमंत जी, प्रजा अपने हट पर अड़ी है और इन्हें वनों में साथ ले जाना अनुचित है, इसलिए आप रथ को तैयार कीजिए, प्रजा के लोगों को छोड़ जाना ही उचित है, नहीं तो यह फिर हट करेंगे और वनों में जाकर ही व्यर्थ ही कष्ट उठाएंगे। किंतु नाथ, प्रातः काल उठने पर इन्हें बड़ा दुख होगा। नहीं सुमंत जी, यह सब समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घर लौट जाएंगे, अन्यथा इनके परिवार की क्या दशा होगी। अतः आप रथ को बिना आहट के आगे ले जाइए। जैसी आज्ञा महाराज। अरे भाई उठो उठो, तुम क्या हुआ भाई? भगवान राम का कुछ पता नहीं, बड़ा अन्याय हुआ। प्रभु राम हमें सोता छोड़ वनों को चले गए, आओ आओ उन्हें खोजे। चलो भाई, चलो, 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 चलो। अरे उधर ढूंढो, चलो उधर ढूंढो। भाई रातों रात रथ ना जाने कितनी दूर चला गया होगा, अब हम प्रभु को कैसे पा सकते हैं? हाय, हमसे अच्छा तो एक मछली का जीवन है जो अपने प्यारे जल से बिछड़ते ही प्राण त्याग देती है, और हम श्री राम के वियोग में अब तक जीवित हैं। भाई हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, अब पश्चाताप करना व्यर्थ है, अब हमें वापस अयोध्या ही लौट जाना चाहिए। चलो भाई चलो वापस अयोध्या। यदि हम वनों में श्री राम जी के पीछे गए तो उनको कष्ट होगा। चलो भाई चलो, हे नाथ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण जी और माता जानकी तपसी वेश में इधर ही आ रहे हैं।
का कही, अयोध्या के राजकुमार श्री राम हमारे प्रभु, हमारे बचपन के सखा इधर ही आए रहे हैं। का देखत हो भाई, प्रभु के आवा की खुशी में गीत गाइए, मंगल वाद बजाइए। प्रभु के वास्ते कंदमूल फल ले आ। अभिलावत है। प्रभु, अब रात्रि हो गई है, आप तनिक विश्राम कर लें। मेरे सब सेवक पहरे पर सजग हैं। सेवको, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, सब बड़े सजग होकर पहरा देइए, कोई हिंसक पशु इधर ना आने पाए। जी महाराज।
लखनलाल जी। कहिए निषाद राज। प्रभु राम और माता सीता जी को पृथ्वी पर विश्राम करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोते हैं देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है, जो रही सदा हिंडोलों में, इस समय धूल दूषित है वह, जो राजा जनक की बेटी है सो रही कुशाओं पर है वह, जिन राजा दशरथ के महलों की बराबरी इंद्र के भवन भी नहीं कर सकते, जिन सुंदर महलों में प्रभु राम जी और सीता जी सोते थे, वह अपनी शोभा में रति और कामदेव के भी गर्व का हरण कर लेते थे, वही आज घास फूस पर बिना उड़ने के सो रहे हैं। मैं समझता हूँ विधाता किसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। क्षमा करना, नीच बुद्धि वाली केकई ने बड़ी कुटिलता की, जिसने श्री राम और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। हे मित्र, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं होता, सब अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है या कंगाल स्वर्ग का राजा इंद्र हो जाता है, पर जागने के पश्चात उसे लाभ या हानि कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वैसे ही इस संसार के प्रपंच के दृश्य को हृदय से देखना चाहिए, किसी को व्यर्थ ही दोष देना नहीं चाहिए। इसलिए सुख और दुख भुलाकर मन वचन और क्रम से श्री राम के चरणों में अनुराग करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भाई निषादराज जी, आप वट वृक्ष का शीर मंगा दीजिए, हम अपने केशों की जटा बनाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। आज की हमारी लीला शंखवीरपुर में यही विश्राम करते हैं, कल प्रभु आगे वन के लिए जाएंगे। आज की इस लीला का यही पर समापन है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आरती के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, कृपया जो भी हमारे अतिथि आए हुए हैं, कृपया भगवान की आरती के लिए मंच पर पधारे। यही रहो। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के फलक पड़ेगी काम। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम से लगन लगाए जा। राम श्री राम, राम जय जय राम। शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।